प्रत्यायोजित लिक्विडिटी पूल क्या है और अल्टीमा में इसकी क्या भूमिका है? प्रत्यायोजित लिक्विडिटी पूल DeFiU उत्पाद का केंद्रीय तत्व है। नियमित पूल के विपरीत हमारा पूल पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है और केवल ब्लॉकचेन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कुल मिलाकर पूल एक वॉलेट एड्रेस है जहां क्रिप्टोकरेंसी संग्रहित की जाती है। किसी भी मानवीय कारक की अनुपस्थिति पूल में टोकन की सुरक्षा की गारंटी देती है। उपयोगकर्ता ही मूल रूप से लिक्विडिटी प्रदाता हैं। वे पूल को खुद भरते हैं। उत्पाद खरीदते समय वे एक विशेष स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी पूल के साथ समझौता में प्रवेश करते हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार पूल को टोकन से भरने के लिए उपयोगकर्ताओं को पूल से रिवॉर्ड प्राप्त होंगे। रिवॉर्ड समय में सीमित नहीं है, आपको जीवन भर टोकन प्राप्त होंगे। आपके बाद आपके बच्चे टोकन प्राप्त कर सकेंगे और फिर उनके बच्चे इत्यादि। उल्टिमा में रिवॉर्ड का आकार, उपयोगकर्ता के पास मौजूद स्प्लिट टोकन की संख्या और नेटवर्क में स्प्लिट टोकन की कुल संख्या पर निर्भर करता है। रिवॉर्ड की गणना करने के लिए डेली अल्टीमा वॉल्यूम को मार्केट में मौजूद स्प्लिट टोकन की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मार्केट में प्रवेश करने वाले टोकन की मात्रा 50 अल्टीमा है और केवल एक स्प्लिट टोकन मौजूद है, तो स्प्लिट के मालिक को सभी 50 अल्टीमा प्राप्त होंगे। यदि 10 लाख स्प्लिट्स हैं, तो प्रत्येक स्प्लिट के लिए 0.00005 अल्टीमा का रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का अनुरोध करते समय आप उस समय नेटवर्क में मौजूद स्प्लिट्स की संख्या और एक स्प्लिट के लिए रिवॉर्ड के आकार की गणना देख पाएंगे। वर्तमान में प्रत्येक पूल प्रतिदिन केवल 50 से थोड़े ऊपर टोकन वितरित करता है, लेकिन निकट भविष्य में हाल्विंग होने वाली है और वितरित रिवॉर्ड्स की मात्रा आधी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया विकेंद्रीकृत और स्वचालित है। उपयोगकर्ता के पास जितने अधिक स्प्लिट्स होंगे, उसका रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। ब्लॉकचेन डिमांड पर रिवॉर्ड जारी करता है। आप हर दिन इसका अनुरोध कर सकते हैं या कभी कभी कर सकते हैं और संचित राशि एक बार में एकत्र कर सकते हैं।